श्रीनगर के नौगाम स्थित भाजपा नेता के घर पर हुए आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की पहचान कर ली गई है, जिन्होंने हमले को अंजाम देने से पहले बड़ी साजिश रची थी। तीन आतंकियों में से एक आतंकी बुरखा पहनकर भाजपा नेता के घर में घुसा था। इसके बाद दूसरे आतंकी ने अंधाधुंध गोलीबारी की, वहीं तीसरा आतंकी शहीद जवान का हथियार लेकर फरार हो गया। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि तीनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। तीनों श्रीनगर के रहने वाले हैं, जो कि लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। आतंकियों के खात्मे के लिए अभियानों में तेजी लाई जाएगी। जम्मू संभाग के कस्बा अखनूर में 12 बटालियन बीएसएफ द्वारा अपना 56वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जवानों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर 12 बटालियन बीएसएफ के शौर्य गाथा पर भी रोशनी डाली गई। इस कार्यक्रम में आईजी नरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी विशेष रूप से मुबारकबाद देने पहुंचे। पूरे साल की गतिविधियों पर हिस्सा लेने वाले जवानों और बच्चों को कमांडेंट दिलबाग सिंह द्वारा पुरस्कार व अन्य गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद बड़े खाने का आयोजन किया गया। कश्मीर घाटी में सेना की 28 आरआर द्वारा स्काउट्स एंड गाइड्स कॉय की आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम में विधिवत शुरुआत की गई। आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम और आर्मी गुडविल स्कूल क्रूसन द्वारा लोलाब के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में निभाई गई भूमिका प्रशंसनीय है। वहीं इस दौरान आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम में स्काउट्स एंड गाइड्स का मार्च आयोजित किया गया। वहीं छात्रों द्वारा एक संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज भी फहराया गया। स्वच्छता और स्वच्छता के साथ सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को उजागर करने के लिए एक जागरूकता मार्च भी छात्रों द्वारा निकाला गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता 8 आरआर जीडीआर द्वारा की गई, जिसमें विभिन्न सरकारी प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य लोगों ने शिरकत की। जिला अनंतनाग में सेना की 19 आरआर द्वारा एक एंटी ड्रग एडिक्शन का जागरूकता कैंप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दलीगाम में लगाया गया। वहीं एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दिवसीय अवेयरनेस कैंप ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम के सहयोग से लगाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणामों से अवगत कराना था, क्योंकि ये खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी कमांडर राहुल ने कहा कि स्कूलों में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना मादक द्रव्यों के सेवन और अन्य सामाजिक मुद्दों को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जम्मू शहर के बाहु इलाके में कुछ दिनों से तेंदुए और उसके शावकों को देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं एक बार फिर दो तेंदुए देखे गए हैं, जो इलाके में कुत्तों को उठाकर ले जा रहे हैं। जंगलों में खाने की कमी के कारण जंगली जानवर शहरों का रुख कर रहे हैं। वहीं मकामी पुलिस भी हरकत में आ गई और पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सावधान किया कि इलाके में तेंदुए देखे गए हैं, इधर उधर ना घूमें, सुरक्षित रहे। जिला कठुआ के हीरानगर उपमंडल के पुलिस चौकी मडीन के नजदीक नाके पर पशु तस्करों ने बीती देर रात पुलिस की जिप्सी को टक्कर मार दी। हादसे में मडीन चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा बुरी तरह घायल हो गए। घायल अधिकारी को तुरंत जीएमसी कठुआ लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल सब इंस्पेक्टर को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र बल्ली गुलाब में JK02X2001 मैटाडोर के पलटने से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कुछ परिवार अपने कुल देवता के स्थान पर बल्ली गुलाब से माजबा जा रहे थे। वहीं एक तीखे पहाड़ी मोड़ पर मैटाडोर के ड्राइवर द्वारा वाहन पर नियंत्रण खो बैठने के कारण मैटाडोर गहरी खाई में जा गिरी और 40 लोग घायल हो गए। घायलों को उपजिला अस्पताल अखनूर में भर्ती कराया गया। वहीं 14 गंभीर लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर ने कश्मीर में आतंकवादी हमलों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में वर्ष 1990 के बाद से आतंकवादियों की संख्या 200 से 250 के बीच कैसे सीमित है। बेहतर हालात के दावों
कोऑपरेशन ऑल आउट के बावजूद भी आतंकवादियों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है, सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए। मीर ने ये बात जम्मू में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही। मीर ने बताया कि 31 मार्च तक महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ पार्टी के 100 से अधिक प्रदर्शन हुए। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 45 दिन चले प्रदर्शनों में पार्टी के 50,000 के करीब कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर महंगाई व जम्मू कश्मीर के लोगों को पेश आ रही मुश्किलों को उजागर किया। अब अगले 10 दिनों में आगे की रणनीति को लेकर फैसला किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 461 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 114 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस को मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1998 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 157 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां 100 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में 361 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 131,421 हो गया है। श्रीनगर के नौगाम स्थित बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर आतंकी हमला हुआ। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान हमले में पुलिस कांस्टेबल रमीज राजा घायल हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वहीं शहीद कांस्टेबल रमीज राजा के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने उनके आखिरी सफर में हिस्सा लिया। पूरा वातावरण गमगीन हो गया। शहीद रमीज राजा अपने पीछे अपनी माँ, भाई, पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। पानी के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, लेकिन कंडी क्षेत्र में लोगों के लिए पानी का संकट परेशानी का सबब बन रहा है। कंडी क्षेत्र के गांव सदराल में पिछले 2 महीनों से पानी की समस्या चल रही है। स्थानीय निवासी बलकार चंद, ममता देवी, पोली देवी आदि ने बताया कि सरकार द्वारा लगाया गया हैंडपंप पिछले 2 महीनों से खराब है। हमने प्रशासन को इसके बारे में अवगत भी करवाया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक हैंडपंप ठीक नहीं हुआ। हमें गांव से 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाना पड़ता है। लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए इस मसले को हल करने व पानी मुहैया करवाने की अपील की है।